नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं नेशनल स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गई है, तो आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप केवल उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इस साल प्लस टू पास की है। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों ने इस साल भिवानी बोर्ड से प्लस टू पास की है, यह स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए है। या फिर जिन बच्चों ने लास्ट ईयर में या उससे भी पहले अगर नेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, तो वो अपने फॉर्म ऑनलाइन रीन्यू कर सकते हैं। तो रीन्यू करने का ऑप्शन आया हुआ है, वो अपना अकाउंट लॉगिन करके इस फॉर्म को रीन्यू कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी योग्यता के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिन बच्चों ने प्लस टू पास की है भिवानी बोर्ड से, जिन बच्चों ने प्लस टू पास की है, यह फॉर्म वही अप्लाई कर सकते हैं। तो एक लिस्ट जारी कर दी गई है भिवानी बोर्ड की साइट पर, जिसमें लिखा हुआ है कि टॉप 20 स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप लिस्ट। तो जो ये लिस्ट है वो हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और अपना रोल नंबर उसमें देख लीजिए। अगर आपका रोल नंबर उस फाइल में है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ दोस्तों, अपना रोल नंबर उस पीडीएफ फाइल में चेक कर लीजिए। यदि आपका रोल नंबर उस पीडीएफ फाइल में है तो आप यह स्कॉलरशिप फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आगे का प्रोसीजर। तो यह स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन एनपीएस की साइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और इसको अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी लिस्ट इस प्रकार से है। एक तो आपके पास 10th की डीएमसी होनी चाहिए, एक आपके पास प्लस टू की डीएमसी होनी चाहिए, और साथ ही अगर आप एससीबीसी हैं तो उसका डाटा आपको देना पड़ेगा, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। साथ ही स्टूडेंट का खुद का बैंक अकाउंट नंबर ज़रूरी है, यानी कि आपकी बैंक कॉपी भी इसके साथ अटैच होगी। इसके अलावा हरियाणा डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपी साथ में लगानी है, और एक फ़ोटो साइन चाहिए होगा जो लगाकर आप साथ में जमा करवाएंगे। और आगे का जो प्रोसीजर है वो इस प्रकार से है कि आपको ऑनलाइन अपना डाटा चढ़ाकर जब आप सबमिट करते हैं, वहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। तो वेरिफिकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए और उस पर अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ भी आपने एडमिशन लिया है, वहाँ पर जाकर उस वेरिफिकेशन फॉर्म पर कॉलेज की मोहर लगवानी है और वापस आकर ऑनलाइन इस फॉर्म को सबमिट करना है। उसके बाद अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है, तो वो प्रिंट आउट निकाल कर ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके अपने कॉलेज में जमा करवा देने हैं ताकि आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिल सके। तो ये थी जानकारी नेशनल स्कॉलरशिप यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2020। तो इसको लास्ट डेट जो है फॉर्म अप्लाई करने की वो है 31 अक्टूबर 2020। जी हाँ दोस्तों, 31 अक्टूबर 2020 तक आप यह फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 31 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर लें और अपने कॉलेज में जमा करवा दें ताकि जल्द से जल्द आपको यह स्कॉलरशिप फॉर्म की जो राशि है वो मिल सके। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट ईयर भी आपको अप्लाई करना है इसके रीन्यू फॉर्म के लिए। आपको पहले साल में 10,000 रुपये देते हैं, सेकंड ईयर में भी 10,000 रुपये देते हैं, और थर्ड ईयर में आपको 5,000 रुपये मिलते हैं। टोटल 25,000 रुपये, जैसा कि सरकार बताती है कि 25,000 रुपये स्टूडेंट को मिलते हैं। तो इस फॉर्म को छोड़ना नहीं है, अपना नाम लिस्ट में चेक करें और यह फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर दें। धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस